लेट्स गो अहेड। हमने बातचीत की थी, बेसिक्स की बातचीत की और बेसिक्स में फॉलोअप की इम्पोर्टेंस की बातचीत की। फिर हमने एक वीडियो देखा जिसमें फॉलोअप को लेकर अल्पेश गज्जर जी ने क्या कहा था, गुजरात के लीडर है बहुत बड़े। हमने ये भी देखा कि आरसीएम डायमंड बनना अगर अपना गोल है तो प्रोडक्ट यूज करना, शेयर करना, डिस्प्ले वाल लगाना, ये हमारे बिलीव सिस्टम को मजबूत करता है। क्योंकि प्रोडक्टों का वास्तविक अनुभव तभी हो पाता है जब हम उनको यूज कर लेते हैं, ऐसा डीप वीडियो में कहा जाता है। इसके बाद हम लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट बनने से एक होप जागृत होती है। ये हमारे असल में हमारे व्यवसाय का भूमि पूजन है, हमारे फैक्ट्री का रॉ मटेरियल है लिस्ट। तो हमको एक आशा होती है कि मेरे पास इतना कच्चा माल रखा है तो मैं इसको पक्के में कन्वर्ट तो कर ही दूंगा आज नहीं तो कल। इसके बाद कॉन्टेक्ट एंड इन्वाइट करते हैं, तो ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा होता है कि हमको किस व्यक्ति को कब कॉन्टेक्ट करना चाहिए, कब इन्वाइट करना चाहिए। और गुप्ता सर थोड़ा सा आप अपनी सुविधा के अनुसार म्यूट कर लेंगे तो ट्रैफिक की आवाज नहीं आएंगे सर। तो कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करना हमारी प्लानिंग का पार्ट होता है कि हमको किस व्यक्ति को कब बुलाना है। देखिए इनवाइट करने में भी हमको कैटेगरी का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे हॉट लिस्ट में कौन है, हमारे वार्म लिस्ट में कौन है, हमारे कोल्ड लिस्ट में कौन है, ल्यूक वार्म लिस्ट में कौन है, और कोल्ड लिस्ट को हॉट वार्म में और हॉट में कैसे लाया जाता है। प्रोस्पेक्टिंग एक शब्द हम बार बार इस्तेमाल करते हैं लेकिन प्रोस्पेक्टिंग के मायने क्या है ये हम जानने का कभी भी प्रयास नहीं करते, तो ये सारी चीजें इसमें आती है। इसके बाद शो द प्लान, यानी हम एक्शन करते हैं, प्लान दिखाते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फॉलोअप, जिससे कि रिजल्ट आना है। यस, तो तेल तिलों से निकलना है, इसलिए ये फॉलोअप जो है, ये रिजल्ट का जो काम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है इस सेल्स की भी इंडस्ट्री में और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। और इन सारे छह चरणों को अगर हम विधिवत रूप से संपादित करें तो हमको ज्वाइनिंग मिलती है और एक हमको पार्टनर मिलता है, और इस इंडस्ट्री में एक पार्टनर यानी एक इंडस्ट्री के इक्वल होता है। तो फॉलोअप के लिए हमने पिछली बार जो सीखा था हम उस पर समय नहीं गवाएंगे। प्रोडक्ट देने के बाद और प्लान दिखाने के बाद जो फॉलोअप होता है, ये वर्ल्ड वाइड डाटा है कि 2% लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में, 3% सेकंड, 5% थर्ड, 10% फोर्थ, और 80% लोग पांचवे से लेके 12वें फॉलोअप में ज्वाइन होते हैं। यानी 80% सक्सेस कम से कम 5 बार के फॉलोअप में मिलती है। परंतु ज्यादातर लोग करते क्या है, 44% पहले रिजेक्शन में, 22% दूसरे में, 14 तीसरे में, और 12% चौथे रिजेक्शन में अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, और केवल 8% ही लोग ऐसे हो पाते हैं जो कम से कम 5 बार फॉलोअप करने की हिम्मत करते हैं। और इसीलिए इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल लोगों का परसेंटेज कम देखने को नजर आता है। लोगों को लगता है कि बहुत ही कम भले ही लोग इसमें सक्सेस होते हैं लेकिन वो इसके पीछे के साइंस को समझने का कभी भी प्रयास नहीं करते हैं। फॉलोअप इज इक्वल टू रिजल्ट है, तो फॉलोअप हमको कब करना चाहिए, मीटिंग के बाद, 48 घंटों के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, एक माह के अंदर, उसके बाद समय अनुसार। और ये हमारे हर फॉलोअप मीटिंग का एक ही उद्देश्य रहता है कि व्यक्ति को हम सेल्स क्लोजिंग की ओर लेके जाए। इमीडिएट फॉलोअप के कुछ उदाहरण हमने देखे थे कि प्लान में अच्छा क्या लगा, कितना समय दे सकते हैं, कितना पैसा बनाना चाहते हैं, इसका भी है हमने आपको बताया था। और 5 की शक्ति का प्रयोग कैसे करना है, जो कि ये 5 फॉलोअप के रियल बताए, इस पे भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं कि जो 2 तरीके के फॉलोअप की हम बात कर रहे हैं उन फॉलोअप में, पहला फॉलोअप जो हमने देखा था कि हम खरीदी जिन लोगों को प्रोडक्ट देने के बाद में लोगों का हम किस तरीके से हिसाब किताब रखे, उसके लिए ये हमारा जो क्वालिटी टीम बुक जो है उसमें पूरा फॉर्मेट दिया है, उसमें हमको हिसाब रखना है। और प्लान देने के बाद हमको ये भाव रखने हैं कि आज मैं अपने प्रोस्पेक्ट को अपना एक बिजनेस पार्टनर बनाने जा रहा हूँ, और यदि ईश्वर आज हमारी पार्टनरशिप बनाता है तो मैं प्रोस्पेक्ट की कामयाबी के लिए पूरी ईमानदारी से, सच्चे मन से खूब सहयोग और मेहनत करूंगा, और हम दोनों मिलके 1 और 1 11 हो जाएंगे। फॉलोअप से पहले स्व मूल्यांकन की भी बात हमने की थी कि उनको हमारा सिस्टम और कैलकुलेशन और समझ में आया कि नहीं, और हमने उनके किसी व्यक्तिगत या किसी आर्थिक या स्वास्थ्य संबंधी समस्या का समाधान अपने बिजनेस प्लान के माध्यम से उनको दे पाए कि नहीं, इसका मूल्यांकन करिए। मिलने का स्थान निश्चित करिए, सहज वातावरण बनाइए, बताए गए प्लान के अनुसार वार्तालाप शुरू करिए, और ऐसे ही प्रश्न पूछिए जिनसे कि सेल्स क्लोजिंग की ओर एक व्यक्ति जाए। कोई भी हमको मूर्खतापूर्ण प्रश्न नहीं करना है, एक अच्छे श्रोता की तरह प्रोस्पेक्ट की सभी बातों को ध्यान से सुनना है, और जवाब देते समय यह ध्यान रखना है कि सामने वाले के अहंकार आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे। कभी भी प्रोस्पेक्ट की बातों को डायरेक्ट नहीं काटना है, उनकी आपत्तियों का धैर्य से निराकरण करना है,
और उसके बावजूद भी प्रोस्पेक्ट अगर आनाकानी करें तो उनको कुछ प्रोडक्ट या टूल्स देकर या कोई वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करें कि देखिए जी सर, मुझे तो इतना ही आता था, आपके इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में हो सकता है, तो आप कृपया ये 2 मिनट का वीडियो देख लीजिए, या कुछ सामान छोड़कर अगली मुलाकात का समय निश्चित कर ले। यानी बार बार फॉलोअप का एक ही मुख्य नियम है कि हर फॉलोअप मीटिंग या तो ज्वाइनिंग लेकर खत्म होगी या कुछ प्रोडक्ट देकर या अगली मीटिंग के लिए एक कंफर्म अपॉइंटमेंट लेकर फॉलोअप जहां तक संभव हो सके मिलकर करना चाहिए। अगर दूसरे शहर में है तो वीडियो कॉल के माध्यम से फॉलोअप करना चाहिए, कभी भी ऑडियो कॉल के माध्यम से फॉलोअप ना करें, ये एकदम ही सही टेक्निक नहीं है फॉलोअप करने की। फॉलोअप कभी भी वीडियो कॉल के माध्यम से होना चाहिए। और इसीलिए हमको सुजीत सर के जब हम साथ में थे तो सुजीत सर ने एक ही बात कही थी कि हमको बात नहीं करनी है, हमको मुलाकात करनी है, तो वीडियो कॉल करनी है। शायद सभी साथियों को वो बात याद भी होंगी, तो हमको मुलाकात करनी है। और याद रखिए, सभी लोगों का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं होता, इसीलिए आपको हर व्यक्ति का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर चेक करने का प्रयास करना चाहिए। ये एक अलग तरीके की टेक्निक है, कभी हम उस पर बात करेंगे कि किसी व्यक्ति का PMF कैसे निकाला जाता है बातों ही बातों में, उसको बिना पता लगे। तो मैं यही कहूंगा साथियों कि अपने मन व दिमाग को सर्वोत्तम स्थिति में रखिए। गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, उत्तेजना, मन के आवेग व अन्य व्यावसायिक या पारिवारिक संताप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। भाई आपने अपने वाइफ से झगड़ा करके गए, इसका बिजनेस से क्या लेना देना बताइए? या आपको आपके व्यक्तिगत RCM बिजनेस के अलावे जो आपके बिजनेस चलते हैं, अगर आपको उसमें कोई कस्टमर से या किसी आपके डीलर से या कहीं भी आपकी कोई कहा सुनी हो गई है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कभी भी आपके इस बिजनेस पे नहीं आना चाहिए। यानी इसको एक बात कहते हैं सतीश पंडित जी, हमेशा ये कैसेट में कहते हैं कि अपने वर्तमान काम को RCM के साथ में इंटरमिंगल कभी नहीं करना है। आपने सुने होंगे कई सीनियर साथियों ने, तो ये बात पंडित जी हमेशा कहते हैं। प्रोस्पेक्ट से उनके सपनों से जुड़ने का प्रयास करिए। देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति के सपने से जुड़ गए ना, तो फिर वो आपके अपने हो जाएंगे, क्योंकि सपने तो अपने होते हैं, है ना? तो आप उनको सपनों के माध्यम से अपना बनाने का प्रयास करिए। और फॉलोअप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यह वो पेशेंस धैर्य रखे। सबसे पहली बात मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप धैर्य रखे। एवरी मीटिंग मल्टीप्लाइज द फेथ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोस्पेक्ट एंड ब्रिंग देम क्लोजर टू सेल्स क्लोजिंग एवरी मीटिंग। सो व्हाट आई एग्जैक्टली ट्राइंग टू से यू कि आपको 5 मीटिंग का जो यहाँ पे फार्मूला बताया है, जितनी बार आप प्रोस्पेक्ट के पास जाएंगे और हर बार अपनी किसी नई बात के माध्यम से उसको कन्विंस करने का प्रयास करेंगे, तो वो आपके करीब आता चला जाएगा। और फिर इस बात की संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि वो आपके साथ ना केवल बिजनेस में आएगा बल्कि वो बहुत अच्छे से काम भी करेगा। देखिए, किसी व्यक्ति का आपसे प्रश्न पूछना ये दुख खबरी नहीं है, ये खुशखबरी है। अगर किसी व्यक्ति ने आपको बोला ऐसा जी बहुत बढ़िया है जी, 1000 रुपए ले लो, सामान कर लो, तो आप देख लेना अगले महीने शहीदों की लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा। और कोई व्यक्ति जितनी आपकी बाल की खाल निकालेगा ना, वो फिर उतना बढ़िया काम भी करता है। क्योंकि सतीश पंडित जी अपने बातों में क्या कहते हैं, एक मूर्ख टाइप के आदमी को साथ में लाना बहुत आसान है, लेकिन लेके चलना बहुत मुश्किल है। कब कहां उपद्रव कर देगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक समझदार और अच्छी क्वालिटी के व्यक्ति को साथ में लाना मुश्किल है, लेकिन लेके चलना बहुत आसान है। तो कोई व्यक्ति अगर प्रश्न पूछता है ना, तो आप खुश हो जाइए, नाराज नहीं होना है और आपको धैर्य रखना है। अब धैर्य कैसे, एक मीटिंग में आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, 2 मीटिंग में डिस्चार्ज हो गई ना, आपको हर बार जब भी कोई ना मिलती है, कोई चैलेंज मिलता है, तो आप कोई किताब पढ़े, कोई फॉलोअप का वीडियो देखे या किसी अपने एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से बात करें। एक अपलाइन से बात नहीं बनता तो 2 अपलाइन को बात करें। सुजीत सर हमेशा कहते हैं अपनी बातों में कि आप 1 अपलाइन से नहीं बल्कि 1-2 अपलाइनों से भी आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, आपको हमेशा अपनी बैटरी चार्ज रखनी है। ये देखिए, ऐसा नहीं रखना है, अगर मोबाइल में 1 डंडी बैटरी हो तो हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है कि नहीं, लेकिन चार्ज हो तो कैसा लगता है, आज तो 100-150 लोगों को दे ही देंगे बत्ती, लगता है ना? तो जब मोबाइल की बैटरी आपका कॉन्फिडेंस लो कर सकती है, तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस आपके लिए कितना जरूरी है बताइए। तो आपको अपनी बैटरी हमेशा चार्ज रखनी है। और दूसरा धैर्य के बारे में मैं यहाँ पे रुक के कहूंगा, देखिए धैर्य बहुत ही ज्यादा जरूरी कंपोनेंट है किसी भी सक्सेस का। तो जल्दी से कुछ मिल जाए ऐसी प्रकृति की कोई व्यवस्था नहीं है, हर उत्पत्ति में समय लगता है और वह सदैव दर्द की कोख से आती है। और ये लाइनें मेरी नहीं है, ये भी सतीश पंडित जी की लाइनें हैं। हम सब लोग सतीश पंडित जी के बहुत बड़े फैन हैं,
लेकिन उनकी लाइनें सुनते सब है लेकिन उसपे इस्तेमाल करना बहुत कठिन है। तो ये लाइनों का बखूबी इस्तेमाल हमने किया है, लाइनें पंडित जी की है, मैसेज भी उन्हीं का है, केवल मैंने अपनी तरफ से कुछ कलाकारी इसमें की है। आप देखिए, जल्दी से कुछ मिल जाए ऐसे प्रकृति की कोई व्यवस्था नहीं है। हर उत्पत्ति में समय लगता है और वह दर्द की कोख से पैदा होती है। हर उत्पत्ति दर्द की कोख से पैदा होती है। जैसे ये देखिए, ये हमारी एक मातृशक्ति है, ये महिला प्रेग्नेंट है और ये महिला प्रेग्नेंट जब हुई तो पूरे 9 महीने तक के अपने पीड़ा को सहन करती है और उसके बाद भी जब प्रसव पीड़ा होती है तो कहते हैं कि एक व्यक्ति लगभग 6-6.5 डेसिमल का दर्द सह सकता है, उससे ज्यादा दर्द होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन एक महिला प्रसव पीड़ा के दौरान 10-11-12 डेसिमल का दर्द सहज ही सह जाती है और उसकी मृत्यु भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसके पीछे एक वजह रहती है कि उसके सामने एक सपना रहता है कि इस भयंकर प्रसव पीड़ा के बाद मेरे घर एक माता दुर्गा या एक कृष्ण कन्हैया या एक पैगंबर जैसे कोई महान पुरुष आने वाले हैं। और उस स्वप्न के वजह से, उस स्वप्न के साकार होने की लालसा में वो महिला उस भयंकर वेदना को झेल जाती है। तो वेदना के बाद क्या हुआ? नव जीवन आया, नवोत्पत्ति हुई, नव उत्पत्ति हुई। हुई कि नहीं? कब हुई? लेकिन प्रसव पीड़ा को झेलने के बाद। अगर कोई महिला बोले कि मैं तो भैया बच्चा तो चाहिए लेकिन मैं प्रसव पीड़ा नहीं झेलूंगी, तो क्या वो कभी मां बन सकती है? जैसा कि अभी हमारे किसी साथी ने कहा था कि एक जब हम धरती के अंदर कोई बीज डालते हैं तो उसको अपना सीना फाड़ना पड़ता है, तब उस बीज को किसी पौधा या किसी वृक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो उत्पत्ति हमेशा दर्द की कोख से पैदा होती है, यह आप हमेशा ध्यान रखिए। और यह एक व्यापार करने का तरीका है, ना कि रातों रात अमीर बनने का कोई लॉटरी सिस्टम कि आपने एक बार किसी को बोला, किसी की ना सुन ली और आपने बोला है ये तो काम चलता ही नहीं है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इसमें धैर्य बहुत लगता है। देखिए, एक होती है गेहूं की खेती। गेहूं की खेती आपने बोई, 4 माह में फसल पैदा हुई, 4 माह बाद फसल कट के साफ, वापस जीरो, खेत जैसे का वैसा, होता है कि नहीं होता? तो जितने भी ट्रेडिशनल काम हम नौकरी बिजनेस या कोई छोटा मोटा व्यापार अपना कर रहे, मजदूरी कर रहे, वो सब गेहूं की खेती जैसे है। रोज कमाए रोज खाए, रोज कमाए रोज खाए, या ज्यादा से ज्यादा महीने का कमाए महीने का खाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। या किसान के मामले में 4 महीने का कमाए 4 महीने बाद खाए, यही है ना भैया? लेकिन 4 महीने बाद क्या है? कहानी जहां के वहां। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, ये हम काम कर रहे हैं आम का पेड़ लगाने जैसा काम। जब ये छोटा पेड़ है तो तब क्या होगा? ये बोलेगा मेरे को पिंजरा लगाओ, मेरे को रोज पानी डालो, मेरे को बकरी से बचाओ, मेरे को गाय से बचाओ, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? और अगर आपने इसकी सेवा कर ली 4-5-6-7 साल, तो क्या होगा? 6 से 7 साल हो सकता है आपको कुछ ना मिले, आपको इसकी सेवा में ही अपना समय लगाना पड़े। लेकिन अगर 6-7 साल आपने इसकी सेवा कर ली और ये पेड़ एक बार अपने बड़ा एक वृक्ष बन गया, एक बड़ा वृक्ष बन गया, तो तब ये क्या बोलता है? भाई साहब, पटेल साहब, यस के पटेल साहब, आओ और ये अपना जो पिंजरा लगाया था इसको निकालो, बेच खाओ, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और आपने खूब मेरी सेवा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अब पानी भी डालने की जरूरत नहीं, अब मैं बारिश के पानी से ही काम चला लूंगा। लेकिन अब इसका इनाम क्या दूंगा भाई साहब आपको? अब आपको 200 साल तक आपके पूरे, आपको ही नहीं, आप इस दुनिया से चले भी जाएंगे तब भी 200 साल तक आपके पूरे परिवार को मैं आम देते रहूंगा। और इतना ही नहीं, आपके पूरे परिवार को पूजा पाठ के लिए पत्तियां भी दूंगा। और इतना ही नहीं, आपके पूरे आने वाले नाती पोते को छाव भी दूंगा और हवन पूजा पाठ सामग्री करने के लिए लकड़ियां भी दूंगा। तो यही है नेटवर्क मार्केटिंग। जब हमारा नेटवर्क छोटा होता है तो हमको परिश्रम मांगता है, तब हमको लगता है कि यार 200, 300, 400, 500, 1000 रुपए के चेक में कैसे होगा। लेकिन एक बार अगर आपने इस, देखिए ये कोई आपका दाल रोटी चलाने का बिजनेस नहीं है सर, कोई दाल रोटी चलाने के लिए अगर इस बिजनेस में आए हैं तो ऐसा मत करिए प्लीज। दाल रोटी सबकी चल रही है, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं बैठा है यहाँ पे। किसी को आरसीएम से 1 लाख का चेक आ रहा है वो भी, और किसी को 500 का आया वो भी। सब लोगों के अपने अपने व्यक्तिगत कोई ना कोई सामर्थ्य ईश्वर ने उनको दिया है और उस सामर्थ्य से हम पैसे बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होके सोचे कि भविष्य में हमको क्या मिलेगा, जैसे एक आम का पेड़ लगाने वाले व्यक्ति का सपना होता होगा, एक संतरे का या एक मौसम्बी का पेड़ लगाने वाले व्यक्ति का सपना होता होगा कि भैया 5 साल बाद मुझे मिलेगा ना,
तो अगर आप इतनी लंबी सोच के साथ इस बिजनेस को करते हैं तो इस आम के पेड़ के जैसे ना केवल आपको आम मिलेंगे, यानी ना केवल आम यानी पैसा मान लो, आम यानी पैसा भी नहीं है, मैं तो आम के पेड़ की पत्ती है यानी पैसा मानता हूँ। आम यानी आपका समय बढ़ेगा, छाव यानी आपके पीढ़ी दर पीढ़ी की सुरक्षा हो जाएंगी, लकड़ियां यानी आपका व्यक्तित्व विकास हो जाएगा, आर्थिक सुरक्षा मिल जाएंगी, आपका जान मान पहचान बढ़ जाएगा। आज देखिए अगर ये बिजनेस नहीं होता तो ये अशोक भाविष्टा की ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान के इतने बढ़िया और इतने अनुभवी लोगों के बीच में आके मैं अपनी बात रख सकूं। ना मेरा इतना बड़ा लेवल है सर, ना मेरी इतनी बड़ी हिम्मत है, लेकिन ये केवल आरसीएम बिजनेस की ताकत है कि आज मुझे इतना बड़ा मंच दिया और मैं पुनः मेरे गुरुदेव आदरणीय बेग सर, रंजीत सर और आदरणीय गुरुदेव गुप्ता सर, चौरसिया सर, आर के जायसवाल सर, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजारी हूँ। हमेशा मैं इनका दिल से आभार व्यक्त करते रहूंगा कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया अपनी बात रखने के लिए। तो आप इसमें धैर्य रखें, यूज द टूल्स एंड प्रोग्राम्स। देखिए जो प्रोग्राम है ना हमारे जीवन, हमारे जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसकी लाइफ लाइन है, उसकी जीवन रेखा है, और टूल्स का और प्रोग्राम का प्रयोग करिए। आप कभी भी किसी व्यक्ति को अगर आपसे नहीं मान रहा है तो ये टूल्स और प्रोग्राम बहुत मदद करेंगे। हैंड ओवर और सेंड लिंक फॉर रिलेवेंट बुक्स, मैगजीन्स, ब्रोशर्स, वीडियोस एंड ऑडियोस एटसेट्रा। आपको क्या करना है, कोई ना कोई लिंक सामने वाले को, जैसे मान के चलिए वो व्यक्ति आपकी बात सुन ही नहीं रहा है बिल्कुल, आपके पास कोई एक लिंक है, मान लीजिए ये फॉलोअप का मेरा एक सेशन का लिंक पड़ा है यूट्यूब पे, आप इसकी लिंक उसको दे दीजिए कि सर ये 23 मिनट का एक ट्रेनिंग है हमारे सेशन पे पड़ा है, कृपया आप इसको सुन लो। तो फॉलोअप अगर वो व्यक्ति ने सुना, या आपकी टीम में कोई व्यक्ति प्रॉपर फॉलोअप नहीं कर रहा है और आपके पास भी उसको समझाने के लिए टाइम नहीं है, तो आप ये लिंक दे दो, अगर 22-23 मिनट उन्होंने इसको सुन लिया तो क्या लगता है वो गलती करेंगे क्या? फिर नहीं करेंगे। That will build their faith and understanding. वो क्या करेंगे, उनके विश्वास और उनके समझ को बढ़ाएंगे। Always be prepared with all tools. हमेशा सभी प्रकार के टूल्स से प्रिपेयर्ड रहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी वर्क्स लाइक एनीथिंग। थर्ड पार्टी हमेशा बहुत अच्छा काम करती है। और देखिए आप मार्केटिंग प्लान की किताब रखे, आप प्रोडक्ट कैटलॉग रखे, आप न्यूट्रीचार्ज का ट्रेनिंग मैनुअल रखे, आप गुड डॉट की बुक रखे, है ना, जो भी टूल्स आपके पास है, अगर जरूरत पड़े तो आप एक प्रोडक्ट डेमो की किट अपने साथ में रखे, बीटाडीन वगैरह के साथ में, पता नहीं कब कहां जरूरत पड़ जावे तो एक आपको अपनी किट जरूर रखनी है साथ में। लेट टूल्स डू वर्क फॉर यू व्हेन यू आर नॉट विथ यूर प्रोस्पेक्ट्स। वाह वाह वाह, क्या लाइन है सर। अपने टूल्स को काम करने दीजिए जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में नहीं है। इसका क्या मतलब है, आपने ये किताब छोड़ी और अगर वो व्यक्ति सीरियस है ना, देखो सीरियस नहीं है तो आप कुछ भी करो वो नहीं करेगा, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी आपकी बात को गंभीरता से लिया है, अगर आपने प्लान ढंग से दिखाया है, अगेन मैं कहूंगा ये सब कुछ प्लान के ऊपर डिपेंड है, अगर आपने प्लान ढंग से दिखाया है तो जो किताब आपने उनके उनके कहने पर छोड़ी थी वो किताब को पलटेगा और उसके कई जाने अनजाने सवालों के उत्तर आपके भी आप में वो किताब दे देंगी। तो आप तो नहीं है लेकिन टूल्स काम कर रहे कि नहीं कर रहे। So let tools do work for you when you are not with your prospects. ठीक है, अगला, make them attend some programs or webinars. अगर उन्होंने बोला कि भैया ऐसा है तो सर मैं भी अभी थोड़ा जल्दी में हूं और आपको भी शायद ऐसा लगता है कि कहीं जॉब पे जाना होगा, अपन ऐसा करते हैं। शाम को जो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाइए तो सर ये जूम की लिंक मैं आपको दे रहा हूं, आप वहां आइए, बाकी का क्वेश्चन आंसर वहां पे होगा। इस तरीके से आप बात करिए। एज वी ऑल नो प्रोग्राम्स ऑलवेज डू मैजिक। हम हमेशा जानते हैं कि अगर व्यक्ति किसी बड़ी मीटिंग में या किसी सेमिनार में बैठा तो उसके सारे क्वेश्चन चाहे अनचाहे क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं वहां पे। यस, अगला ध्यान आपको क्या रखना है, पर्सनल एश्योरेंस देना है, व्यक्तिगत आश्वासन। पीपल डोंट ज्वाइन अ कंपनी और प्रोडक्ट, पीपल ज्वाइन पीपल। शुरुआत में लोग किसी कंपनी या किसी प्लान से नहीं जुड़ते, वो आपसे जुड़ते हैं। ये सही बात है कि नहीं बताइए? लोग कभी भी किसी कंपनी या प्रोडक्ट से नहीं जुड़ते, वो आपसे जुड़ते हैं, क्योंकि वो गेडाम साहब को पहचान रहे, वो गुप्ता जी को पहचान रहे, वो चौरसिया साहब को पहचान रहे, उनको नहीं मालूम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड क्या है और इसकी ताकत क्या है, और वह साहब को 25-30 लाख का चेक आता है ये भी उनको नहीं पता,
तो उनको क्या पता है, मैं एस के पटेल साहब को जानता हूं बस, और पटेल साहब के पर्सनल फेस वैल्यू पे मैं आ सकता हूं। तो अब आपको क्या करना है, उनको अपना पर्सनल एश्योरेंस देना है, गिव देम योर फेथ, उन्हें आप अपना विश्वास दीजिए कि सर चाहे कुछ भी हो जाए, जितना हो सके मैं आपको सपोर्ट करूंगा। अब यहां पे एक नया व्यक्ति गलती क्या करता है, आप ध्यान से समझिएगा, बहुत साइकोलॉजिकली ये गेम है, योर एक्साइटमेंट एंड इन फेथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्लान और प्रोडक्ट नॉलेज। आपका उत्साह व विश्वास किसी उत्पाद या प्लान की जानकारी से महत्वपूर्ण है। उसने आपसे किसी उत्पाद के बारे में पूछा और आपने कहा सर मैं माफी चाहता हूं, मैं भी अभी सीख रहा हूं, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, वीडियो देखिए, तो वो इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेगा। लेकिन आपने बुझे से अगर अंदाज में, हमेशा से सुजीत सर आपने कहते हैं कि अगर आप बुझे रहिएगा तो कौन आपकी बात सुनिएगा, सुजीत सर कहते हैं कि नहीं कहते, तो आपको बात ही इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कहनी है कि सामने वाला व्यक्ति आपके एक्साइटमेंट को देख के, आपके उत्साह को देख के इस बिजनेस में आने का निर्णय ले ले, क्योंकि आपने वो लाइनें सुनी होंगी कि मक्खी भी उस चेहरे पे बैठने से इनकार करती है, उदासी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, सुनी है ना लाइनें आपने, तो उदासी बिल्कुल आपको रहना नहीं है। यस, अच्छा अब एक बात, एक नया व्यक्ति क्या करता है, इनने भाई साहब कोई फॉलोअप की मीटिंग ली नहीं, सिस्टम का कोई नॉलेज इनके पास है नहीं, ये व्यक्ति गया और एक्साइटमेंट में क्या करेगा, सर सर आप तो जुड़ जाओ सर, मेरे अपलाइन ने मेरे को प्लान दिखाया और उन्होंने बोला था रॉयल्टी आ जाती, कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता, दो चार लोगों को जोड़ देना पड़ता है, फिर 2 के 4, 8, 16, 32 हो जाते हैं, जैसे कि आदरणीय बेग सर ने बताया 4000 लोग हो जाते हैं, और फिर सर वो 80 लाख का धंधा हो जाता है और उसका 5% अपने को मिल जाता है सर, बस तुम भी करोड़पति हम भी करोड़पति, बस सर इतना ही करना है, कागज लाओ सर। बोले आप क्या, अरे सर आप तो जुड़ जाओ, आपकी ए भी मैं चला दूंगा और बी भी मैं चला दूंगा, आप तो जुड़ जाओ मालिक बस। बोले ऐसा पक्का, बोले हाँ, तो फिर बोले पक्का मैं जुड़ गया तो मैं भी करोड़पति तुम भी करोड़पति, बोले 100%। यानी ये व्यक्ति हमारा इंटेंशन क्या है, एक नए आदमी का ले दे के सामने वाले व्यक्ति को टोपी पहनाना है, मुर्गा बनाना है कैसे भी करके। तो हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, रूल क्या है, नेवर कमिट एनीथिंग दैट यू कैन नॉट डिलीवर लेटर, यानी आप जो नहीं कर सकते बाद में उसके लिए कोई वादा मत कीजिए, कब भी मत कीजिए। व्यक्ति जुड़े तो ठीक, ना जुड़े तो ठीक। और मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े लीडर अपने प्लान में क्या कहते हैं, मैं आपसे कोई वादा नहीं कर रहा हूं, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये बात को आप कटस्थ कर लीजिए सर, मैं आपसे कोई वादा नहीं कर रहा हूं, क्लियर ये सिस्टम है, ऐसा करेंगे तो मिलेगा, तो सामने वाली व्यक्ति की आशा ही नहीं रहेंगी। फिर आपने बेग सर या गुप्ता जी या आदरणीय गुरुदेव रंजीत सर सबके जीवन में ऐसा आया होगा, सर आपने तो कहा था, फिर डाउनलाइन झगड़ा करने को तैयार हो जाए दो दो हाथ, आपने कहा था, आपने मीटिंग दी थी, क्यों नहीं आया बताओ, डेट कैंसिल की तो की, कैसे की, जैसे गुरुदेव की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हो, है? जैसे कोई 2-4 हजार रुपए महीना भाई साहब खाते में डालते हो मीटिंग लेने के लिए, ओ माय गॉड। तो ये एक, अगर आप अपने डाउनलाइन से या तो कोई वादा करिए मत, और करिए तो फिर बहुत ही सोच समझ के करिए, जिसको आप पूरा नहीं कर सकते उसको कभी करना ही नहीं है। बी ऑनेस्ट एंड फेथफुल, ईमानदार और भरोसेमंद व्यक्ति रहिए, जैसा कि वत्सर के बारे में सभी लोग कहते हैं, ईमानदारी से बड़ा कोई, लॉयल्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हमारा पर्सनल एश्योरेंस है। तो उम्मीद करता हूं कुछ कुछ बातें आज और आगे हुई होंगी, आपने ये बातें सीखी है लेकिन रखने का क्रम कुछ अलग है, ठीक है। अगला, योर एक्साइटमेंट एंड फेथ, आपका उत्साह जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए एक्साइटेड रहिए इस भाई साहब की तरह। यू आर बेटर देन मोस्ट ऑफ द पीपल हु वांट टू फुलफिल देयर ड्रीम्स बट नॉट रेडी टू वर्क फॉर देम, आप उन हजारों लोगों से बेहतर है। आप हमेशा ये बात रखिए कि मैं उन हजारों लाखों लोगों से बेहतर हूं जो अपने सपने तो पूरे करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए घर से नहीं निकलते। अरे भैया ये ना बोल रहा है, बोलने दे यार, मैं घर से तो निकला, मैंने 10 लोगों से बात तो की, भला ही एक आदमी नहीं जुड़ा, लेकिन आपको क्या एक प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, ये कैसा आपके अंदर होना चाहिए कि यार मैं घर से निकला तो सही, शाबाश शाबाश बेटा तू घर से निकला, अपनी पीठ थपथपाइए सर, अपने आप से इतनी नफरत नहीं करना है, शाबाश तू घर से तो निकला बेटा। यस,
तो प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस रखिए, क्योंकि घर से निकलना बहुत जरूरी है। मंजिल तो मिल ही जाएगी आज नहीं तो कल सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी आज नहीं तो कल सही। अरे बदकिस्मत तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। यस, जो घर से निकले और उसको मंजिल ना मिले, ऐसा हुआ है क्या आज तक? एडिसन ने 10,000 बार फेल होने के बाद बल्ब बना दिया, राइट ब्रदर्स ने प्लेन बना दिया, इतनी असफलताओं के बाद में तो क्या आपको लगता है मंजिल तो मिलेगी सर? यस, आपको विश्वास होने चाहिए। सतीश, आदरणीय सुरेंद्र वत्सर की कैसेट मैंने सुनी, उसमें से ये चीजें मैंने उठाई, विश्वास की ताकत। आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है, वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ सर। कोई नई चीजें नहीं बना रहा हूं, और हर चीज का आपको सोर्स भी बताते जा रहा हूं कि कहां से ये चीजें आई है। फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर सक्सेस। सफलता के लिए विश्वास से बड़ा कोई दूसरा कहना चाहिए तथ्य नहीं है, कंटेंट नहीं है। और मजे की बात है कि ये विश्वास किसी दुकान में मिलता नहीं है। गुजरात में किसी दुकान में मिलता है क्या विश्वास? या यूपी में मिलता है कहीं? भैया 2 किलो विश्वास दे दो, और ये 2 किलो विश्वास से ले ले, हम खूब इसको ग्रहण कर लेंगे, और फिर उसके बाद में विश्वास ही विश्वास हो जाएगा। सौसर में तो ऐसी कोई दुकान नहीं दिखती। कन्हैया लाल जी के यहाँ कहीं दुकान कोई दिखती है क्या ऐसी विश्वास की? मुझे नहीं लगता कहीं विश्वास की दुकान होंगी पूरे इंडिया में, कि खरीद लिया कुछ और फिर विश्वास ही विश्वास हो जाए। विश्वास होता है, करना पड़ता है, सुनने से, देखने से, करने से होता है। और आपको किन चीजों पर विश्वास रखना है? भगवान पे। अब कई लोग तो इसी कंफ्यूजन में है कि भगवान है कि नहीं है, है ना? तो आप जिस भी आराध्य शक्ति को मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह को मानते, जिस भी आप आराध्य देवता को मानते हैं, आराध्य शक्ति को मानते हैं, लेकिन इतना तो तय है कोई ना कोई शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। आप जिस भी शक्ति की आराधना करते हैं उस पर विश्वास रखिए, और रोज सुबह अपने आप से क्या बोलना है, मी एंड गॉड कैन डू वंडर। अगर शिवानी दीदी के आप उस प्रोग्राम में रहे होंगे 16 अगस्त के, तो उन्होंने 10 अफर्मेशंस बताए थे, और आप करके देखिए सर, जादू होता है। मैं और वो मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। सतीश पंडित जी हमेशा कहते हैं अपने हर काम में उसको हाजिर नाजिर करिए। किसको? उस आराध्य शक्ति को। मी एंड गॉड कैन डू वंडर। कंपनी पे विश्वास रखिए, फेथ ऑन कंपनी, क्योंकि ये विश्वास, आप वीडियो देखिए, अगर मौका मिले तो भिलवाड़ा जाके आइए। प्रोडक्ट पर भरोसा रखिए, क्योंकि यही वो प्रोडक्ट है जिनमें 45% पैसा छुपा है, और इसी में से 45% पैसा आप निकाल सकते हैं। तो इन पे अविश्वास करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। सिस्टम पे विश्वास करिए, क्योंकि हर नल का एक स्वभाव है, पानी ऊपर से नीचे ही बहता है, लेकिन अगर उस नल में एक यंत्र लग जाए, यानी एक सिस्टम लग जाए, तो पानी नीचे से ऊपर भी बह सकता है। तो जो काम आज आपको असंभव प्रतीत हो रहा है, वो विश्वास की वजह से और उस यंत्र की वजह से, उस सिस्टम की वजह से संभव हो सकता है। और सबसे बड़ा विश्वास स्वयं पे रखिए। स्वयं को दीन, हीन, लाचार, मुसीबत का मारा बेचारा समझने की कोई भी जरूरत नहीं है। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। ये एकदम आई स्ट्रांगली बिलीव इन द लाइन। आप घर से निकलिए, थोड़ा सा पुरुषार्थ कीजिए। डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। कभी भी ऐसे प्रश्न ना पूछे जिनका जवाब हाँ या ना में आए। कैसे? आस्क क्वेश्चन दैट मूव यू क्लोजर टू सेल्स। ऐसे प्रश्न पूछिए जो आपको सेल्स की ओर लेके जाए। जैसे आपको कैसा लगा, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कैसा लगा तो बोलेगा अच्छा नहीं लगा, बोल भी सकते हैं भाई, ऑप्शन है उसके पास अच्छा बुरा बोलने के, तो ऐसा ऑप्शन देना ही क्यों जिसमें निगेटिव आंसर आने की संभावना हो। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जैसे यह प्रश्न आया, समझ लो आपकी खटिया खड़ी हो गई। कैसे? वो क्या बोलेगा, महाभारत मेरे मौसी के लड़के ने किया था, उसका ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मेरे पड़ोसी ने किया था, उसका बर्बाद हो गया, उसकी बकरी बिक गई, उसका मंगलसूत्र बिक गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मैंने 1500 दिए थे। ओ माय गॉड, इसको बोलते हैं अपने हाथ से पाव पे कुलाडी नहीं मारना, कुलाडी पे पैर मारना, इसको बोलते हैं। शुरू होंगी कि नहीं महाभारत, बताइए आप? सुनो आप बकवास, लो मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछने का खामियाजा भुगतो, और गई ज्वाइनिंग अप आपके हाथ से। और मालूम है, एक मैं आपको बताता हूं, जो भीड़ है ना, हमेशा पीयर प्रेशर को फॉलो करती है। अगर होम मीटिंग में 25 लोग बैठे हैं, मैं एक सीन क्रिएट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, और वहां का कोई कोबरे टाइप का आदमी है जिसकी उस मोहल्ले में बहुत चलती है, ठीक है,
वो कोबरे को तो आपको बहुत ही हिसाब से हैंडल करना है, नहीं तो वो फुंकार मारेगा ना तो वो खुद तो जाएगा, वो 25 को भी लेके जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही बोला पब्लिक जो है अपने मोहल्ले के वो सयाने आदमी को फॉलो करती है, ठीक। अब वो अगर उस कोबरे को आपने ये प्रश्न पूछा तो वो क्या करेगा, महाभारत शुरू करेगा। और वो बाकी सारे लोगों को इतना अच्छा प्लान दिखाया, सबकी मेंटेलिटी खराब। आप बोलते साला गलती कहाँ हुई, एक भी ज्वाइनिंग क्यों नहीं आ रही, यहाँ गलती हुई, आपने प्रश्न ही गलत पूछा। हमेशा प्रेजेंटेशन की पूरी कमांड जो है ना अपने हाथ में होनी चाहिए। तो आप प्रश्न कैसे पूछने हैं भैया, जब हम स्पीकर है और अच्छा सामने वाले की बोलती बंद करने का रंजीत सर ने और बहुत सारे गुरुदेवों ने एक फार्मूला मुझे सिखाया, वो फार्मूला मैं अक्सर से फॉलो करता हूँ और पंडित जी ने भी सिखाया। मदद मांगी है सर आप वहां पे होम मीटिंग में, अगर 25 लोग बैठे हैं और उस कोबरे का अगर आपको फन कुचलना है, मैं क्षमा चाहता हूं अपने शब्दों के लिए लेकिन सच्चाई यही है, अगर उस सयाने आदमी को आपको चुपचाप बैठाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हीं को चने के झाड़ पे चढ़ाना शुरू करिए। सर क्या बात है पटेल साहब, जबरदस्त मजा आ गया सर, बहुत बहुत तालियां बजाइए, एक बार ताली बजा दो हालत खराब सामने वाले की। और दो मदद मांगे, सर मैं अभी इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं है सर, लेकिन सर मैं आपसे दो मदद चाहता हूँ, करेंगे आप मेरी मदद? जी जी सर, एक तो पहले ये जो अपना खूबसूरत सा यंत्र है सर मोबाइल, इसको साइलेंट कर लीजिए सर, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा सर। मेरे से ये करिए सर कि अगर आपके कोई प्रश्न हो ना सर तो आप उनको संभाल के रखिए, हम आखिरी में आंसर देंगे सर। और प्लीज सर एक एक, एक करके पूछिएगा सर, नहीं तो मैं भूल जाता हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, अगर मुझे नहीं आएगा तो मैं अपने अपलाइन से या कोई वीडियो आपको दिखाऊंगा सर। मदद मांगी है सर, मदद मिलती है, लेकिन हम मदद मांगते ही नहीं सामने वाले से। तो आज से ये दो मदद मांगने का फार्मूला, फोन साइलेंट करने की मदद और बीच में प्रश्न ना पूछने की मदद मांगी है, यानी अब रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, अपने हाथ में। अब हम प्रश्न कैसे पूछेंगे, देखिए सही प्रश्न पूछे, ऐसे प्रश्न पूछे जिससे बातचीत सेल्स क्लोजिंग की जाए की ओर जाए तथा आपके प्रोस्पेक्ट को निर्णय लेने में मदद मिले। जैसे हमने तीन प्रश्न आपको बताए थे, कौन से, कि सर यदि आपको वास्तव में यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो कृपया करके मुझे यह बताने का कष्ट कीजिए सर कि आपको इस प्लान में एक दो बातें कौन सी अच्छी लगी वो बताइए सर, प्लीज सर। आप तो इतने अच्छे, कितने अच्छे से सुन रहे थे सर आप, एक क्या अच्छी बातें लगे बताइए सर। अब आपने पूछा क्या है अच्छी बातें, तो कोई दुनिया का मूर्ख ही आदमी होगा जो गलत बातें बोलेगा, क्योंकि आपने पूछी अच्छी है तो उसकी मजबूरी है अच्छी बातें बताना, है कि नहीं है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि सर अगर अगर मान लेते हैं सर, अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आप एक हफ्ते में कितना टाइम मुझे देंगे सर, तो वो अपने टाइम का हिसाब किताब लगाएगा कि नहीं। यानी आदमी ये जानना चाहता है कि मैं अपने नौकरी के साथ में इसको कहां फिट करूंगा, तो वो आंसर देगा। तीसरा प्रश्न पूछिए, अगर मान लेते हैं सर कि आपने सिस्टम को फॉलो किया, मैंने और हमने सब मिलकर मदद की, तो सर आप इस बिजनेस से कितने पैसे कमाना चाहेंगे सर, तो बोले जितने आ जाए जी, नहीं कोई आखिरी की ओर ले जाइए, बोले सर 5,000 या 10,000 रुपए महीना आ जाए तो कैसे रहेगा जी, बोले मजा आ जाएगा जी, बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर आपने पूछा सर प्लान तो जबरदस्त लग रहा है ना सर, आपकी केवाईसी तो रेडी है ना सर, केवाईसी तो ओके है ना, आपके डॉक्यूमेंट तो क्लियर है ना सर, तो अब उसका ध्यान कहाँ जाएगा, मेरा आधार कार्ड फूफी के यहाँ रखा है, मेरे बैंक पासबुक में एंट्री नहीं है, ये नहीं है, मेरा फोटो नहीं है, उधर उसका दिमाग जाएगा। आपने कोई भी ऐसा प्रश्न पूछा क्या उससे जो उसको सेल्स क्लोजिंग की ओर नहीं लेके जा रहा है, अपने प्रोस्पेक्ट से बताइए। ऐसे बढ़िया प्रश्न आप पूछिए और बी ए गुड लिसनर, अच्छे सुनने वाले बनिए, लिसन नॉट टू रिप्लाई, कभी भी सामने वाले को रिप्लाई देने के लिए लिसन नहीं करना है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। लिसन टू रियली लिसन एंड अंडरस्टैंड, उनकी बातों को इतना डूब के और इतना धैर्य से सुनना है कि सचमुच मुझे उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है और उसकी बातों को बड़े गंभीरता से लीजिए सर। कई बार हम क्या करते हैं, हमको लगता है मेरी कंपनी अच्छी, मैं अच्छा और तू गलत, और वाकई में प्रोस्पेक्ट बकवास तो करता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन उसकी बकवास में ही उसका दर्द छुपा होता है। आप वो दिन याद करो ना जब आपको किसी ने प्लान दिखाया था तो आप सीधे से जुड़े थे क्या, दुनिया के हर सेल्समैन का दर्द है सर, हर सेल्समैन का, केले लेने वो खरीदे थे क्या आपने, जो कपड़ा दुकान क्या
जो चप्पल जो जूता दुकानदार ने पहली बार आपको बताया था वो खरीदा था क्या आपने, बताइए ना आप। जब आपने इन सारे सेल्स पर्सन लोगों की इतनी धज्जियां उड़ाई है ना, उन सारे मार्केट के सेल्स पर्सन लोगों का श्राप है हमको कि बेटा जब भी तू काम करने जाएगा ना तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। नीलेश जी श्राप है कि नहीं है? आपके सोने की दुकान में आके लोग कितने ये करते हैं, एक लेडीज साड़ी लेने जाती है पूरी दुकान पलट के रख देती है सर साड़ी के चक्कर में, बाद में पलटते रहता है आदमी, तो उस सेल्समैन का श्राप किसको लगेगा फिर? वो सारा श्राप है हमको कि प्रॉस्पेक्ट भी उतनी ही धज्जियां हमारी उड़ाएगा। यस, सो लिसन टू, रियली लिसन एंड अंडरस्टैंड, ध्यान से सुनिए। आप ये मानिए कि मैं सेल्स में हूं और ये मेरे कपड़े चड्डी बनाने सब फाड़ने वाला है, इसलिए सक्सेसफुल आदमी चार चड्डी पहन के चलता है, दो तीन किसी ने उतार भी दी तो एक बची रहती है उसकी, और नॉर्मल आदमी अब आप समझ गए जो एक पहन के गया उसका क्या होगा। तो ये जो ज्यादा आपको अपने अंग वस्त्र पहनना है ना, ये उसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है। यस, प्रॉस्पेक्ट डू द सेल्स क्लोजिंग देमसेल्व्स इफ यू जस्ट लिसन टू देम। मैं आपको एक कमाल की टेक्निक बता रहा हूँ, प्रॉस्पेक्ट अपनी सेल्स क्लोजिंग खुद कर देगा, वो टेक्निक भी आगे मेरे पास है कैसे करेगा, खुद कर देगा अगर आपने उसको केवल ध्यान से सुन लिया बस। और हर आदमी की एक बीमारी है सर, वो सुनता नहीं है, जबकि भगवान ने दो कान दिए और एक मुंह दिया है, काय के लिए दिए दो कान, एक से सुनो और दूसरे से निकालो इसके लिए। और यही आप करते हैं प्रॉस्पेक्ट के साथ, एक से सुनते और दूसरे से उसकी बात निकाल देते और इसलिए वो आपको भाव नहीं देता है। आपको क्या करना है, दोनों कानों से सुनना है और बोलना कम है क्योंकि मुंह तो एक ही दिया है ना, उसको ही बोलने दो, जहर पूरा खाली हो जाने दो, प्रॉस्पेक्ट खुद ही सेल्स क्लोजिंग करेगा, उसकी टेक्निक हमारे पास में है। एक अच्छे श्रोता बने और धैर्य रखे, सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुने, दूसरे व्यक्ति के विश्वास और मनोदशा को समझने के लिए सुने। अगर आप अपने प्रॉस्पेक्ट को सुनेंगे और उनसे सही प्रश्न करेंगे तो प्रॉस्पेक्ट स्वयं सेल्स क्लोजिंग करते हैं। यस, तो आई थिंक मैं एक बार जानना चाहता हूँ गुरुदेव लोगों से, समय कितना है सर, समय इजाजत दे रहा है या नहीं दे रहा है? अगर समय इजाजत नहीं दे रहा है तो हम अपने बात को समाप्त कर देंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद।